फ्रेंड्स, माय नेम इज सुशांत और आप देख रहे हैं सीएनसी टेक्निक चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ये कंपोनेंट में स्टेप टर्निंग करेंगे और सीएनसी टर्निंग सेंटर में सीमेंस कंट्रोल में इसका प्रोग्राम क्रिएट करेंगे और इसको रन करके देखेंगे। जो आज की इस वीडियो में जो प्रोग्राम क्रिएट करेंगे वो हम आर वेरिएबल यूज करके इसके प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस ड्राइंग में एक ये कंपोनेंट है जिसकी ये मेजर डाया 25 है और माइनर डाया 15 mm है और ये वाली डाया मिडिल डाया 20 mm है। और जो 15 mm डाया है उसकी डेप्थ 10 mm है और 20 mm डाया की वो भी फेस से 20 mm डेप्थ है। तो चलिए इसको प्रोग्राम क्रिएट करते हैं सीमेंस कंट्रोल में और इसकी प्रोग्राम क्रिएट करके इसको प्रैक्टिकली मशीन पे रन करके भी देखेंगे। तो इस कंपोनेंट में ये डाया 15 है, ये डाया 20 है और ये डाया 25 है और इस तीनों कॉर्नर पे 1 mm की चैम्फर है। तो इसका प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। जैसा कि सीमेंस कंट्रोल में G64, G71, G90, फिर मशीन को एक उसकी होम पोजीशन पे ले चलते हैं। G00, D0, X0, Z-200, फिर टूल लेते हैं। पहले रफिंग करेंगे WNMG से और फिनिशिंग करेंगे इसकी TNMG से। तो टूल नंबर वन, T1D1, ये WNMG, G96, S कटिंग स्पीड 120 देते हैं, LIMS लिमिट्स 1500 दे देते हैं और M4। पहले एक सेफ पोजीशन पे लेंगे। अभी इसके लिए हम 25 डाई के एक रॉड से इसको प्रोसेस करेंगे। तो अभी जैसे 25 है तो एक सेफ पोजीशन पे ले आते हैं टूल को, G00, X27, Z2। पहले फेसिंग कर लेते हैं G01, Z0, फीड 0.1, X-1, G00, X27, Z2। इसकी फेसिंग हो गई। अब इस पे स्टेप टर्न करते हैं। तो पहले 20 डाया को टर्न कर लेंगे, फिर 15 डाया को टर्न करते हैं। तो इसी डाया को टर्न करने के लिए हम आर वेरिएबल यूज करेंगे। R1 इक्वल टू 25 है, 24 डाया से स्टार्ट करते हैं टर्न करना। R1 इक्वल टू 24, फिर एक लेवल क्रिएट करेंगे LVL1।
आप यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हैं, फिर कॉलन G01 एक्स इज इक्वल टू R1 लिखेंगे। तो R1 की वैल्यू यहाँ पे 24 है, तो जैसे ही LBL1 या कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे राम भी दे सकते हैं, G01 एक्स इक्वल टू R1 मीन्स G01 एक्स 24 हो गया। और फीड तो है ही पहले से, फिर भी दे देते हैं 0.1। फिर नेक्स्ट होगा हमारा G01 जेड माइनस 20, 10 और 10, अभी 20 डाया को हम टर्न कर रहे हैं, तो 1 1 mm का डेप्थ देके इसको 20 डाया तक टर्न करेंगे। जेड माइनस 20, फिर यहाँ पे लिख देते हैं G91 X2, इसका मतलब जिस पोजीशन पे होगा एक्स वहाँ से +2 हो जाएगा, 91 इंक्रीमेंटली। तो जैसे यहाँ पे 1 mm का टर्न कर रहे हैं, 1 mm डेप्थ, तो यहाँ से 2 mm ऊपर आ जाएगा। तो अभी 24 डाया का टर्न हो रहा था, 24 26 पे पहुँच जाएगा। फिर G90 लिख देते हैं और Z2 बाहर ले आते हैं। इतना ही प्रोग्राम हमें रिपीट करना है, बस डाया 1 1 mm कम करके। अब R1 की वैल्यू 24 थी, तो X की वैल्यू 24 हो गई। अब हम उससे R1 यहाँ लिखेंगे, R1 इक्वल टू R1 -O1। तो R1 की वैल्यू जैसे 24 थी, तो 24 से -1 हो गया। अब R1 की वैल्यू हो गई 23, तो यहाँ पे एक कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे, इफ R1 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो 20 डाया तक हमें टर्न करना है, इसलिए 20। जब तक R1 20 से ग्रेटर या बराबर नहीं होता, तब तक ये पैरामीटर हमारा, ये लाइनें हमारी रिपीट होती रहेगी। तो इस कंडीशनल स्टेटमेंट में ऐसे लिखा जाएगा, इफ R1 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 गो टू बी, गो टू बी, गो टू बैकवर्ड, कहाँ जाना है, LBL1 पे, LBL1 पे। तो अभी R1 की वैल्यू क्या हो गई है, 23। तो फिर LBL1 को रीड करेगी, तो X की वैल्यू अब 23 रीड करेगी। तो फिर ये 3 लाइनें रिपीट होगी, फिर 23 से -1 हो गया। अब R1 की फिर वैल्यू R1 -1 लिख दिया, तो फिर इससे -1 हो जाएगा, 23 से 22 हो जाएगा। तो ये इस लाइन पे जब आएगी, तो 22 ग्रेटर देन 20 है, इसलिए फिर गो टू बी Level 1, तो ये बैक, फिर Level 1 पे बैक हो जाएगी। अब X इक्वल टू 22 है, तो फिर ये लाइनें फिर रिपीट होगी, ऐसे तब तक होगी। फिर 22 से -1 हो गया, 21, 21 फिर भी 20 से ग्रेटर देन है, तो गो टू बी। फिर 21 से 1 माइनस हो जाएगी, अब की बार 20 हो गई, 20 ग्रेटर देन या इक्वल टू 20 है, इसलिए फिर भी ये वापस Level 1 को रीड करेगी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू अब 20 हो गई है, 20 के बाद ये लाइनें जब ये लाइन रीड करेगी, 20 से -1 हो गया 19, तो 19 ना तो 20 से बड़ा है ना इक्वल है, इसलिए ये बैक नहीं जाएगी, उसकी नेक्स्ट ब्लॉक को रीड करेगी।
जी 0 0, जी 90 लिख देते हैं एक्स। अब हम इसको डन करेंगे, डाया 15 को, तो थोड़ा सेफ पोजीशन के लिए एक्स मैंने 17 लिख दिया और जेड 2 लिख दिया। अभी टूल हमारा यहाँ आ जाएगी। फिर अब इस बार हम इसको टर्न करने के लिए R2 का यूज करेंगे। R2 इक्वल टू, अभी 20 पे है तो यहाँ पे 19 लिख देते हैं। फिर इस लेवल का नाम देंगे LBL2 कॉलन G01 एक्स इज इक्वल टू R2 लिखेंगे, फीड 0.1। अब एक्स की वैल्यू R2 हो गई, तो R2 19 है। सेम यही चीज़ रिपीट करेंगे, G01 जेड माइनस 10, क्योंकि 15 mm का डाया जो है हमें 10 mm तक टर्न करना है। फिर एक सेफ पोजीशन पे निकल जाएंगे बाहर, जी ऐसे G91 एक्स 2 करेंगे और G00 G90 Z2 बाहर आ गए। अब R2 R2 इक्वल टू R2 माइनस 1 लिखेंगे। सेम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे, इफ R2 ग्रेटर देन इक्वल टू 15, 15 गो टू बी LBL2। तो अभी R2 19 स्टार्ट किया था हमने, तो x की वैल्यू 19 रीड किया, यहाँ आते आते 19 से माइनस 1 हो गया 18, 18 अभी ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है, तो इसलिए गो टू बी लेवल 2, फिर लेवल 2 को रीड करेगी। अब x की वैल्यू अभी 18 है, फिर ये लाइनें रीड करी, फिर 18 से माइनस 1 हो गया R2 की वैल्यू, तो R2 की वैल्यू 17 हो गई, 17 15 से ग्रेटर देन है तो गो टू वी लेवल 2, फिर ये लेवल 2 को रीड करेगी। ऐसे जब R2 की वैल्यू 15 हो जाएगी, R2 15 इक्वल टू है तो गो टू वी लेवल 2। तो अब एक्स की वैल्यू 15 हो गई, 15 डाया ही हमें टर्न करना है, इसलिए ये लाइनें भी रीड करेगी। जब 15 से माइनस 1 हो जाएगी, R2 की वैल्यू 15 थी, 15 से माइनस 1 होने के बाद 14 हो गई, तो 14 15 से ग्रेटर देन नहीं है ना तो इक्वल है, तो गो टू बी लेवल 2 ये नेक्स्ट ब्लॉक को फिर रीड करेगी। नेक्स्ट ब्लॉक हम यहाँ लिखते हैं G00 X17 Z2। फिर मशीन को होम पोजीशन पे ले चलते हैं, G00 D0 X0 जेड माइनस 200। अब की बार दूसरी टूल को कॉल कर लेते हैं TNMG को, जिससे फिनिश करेंगे। T2D1 TNMG
3 mg ले लेते हैं। चलिए इसको मशीन पे रन करके भी प्रैक्टिकली चेक करके कंपोनेंट बना के देखेंगे। तो चलिए दोस्तों प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इसके लिए मैंने दो टूल सिलेक्ट कर रखा है, एक WNMG और एक TNMG। रफ के लिए WNMG यूज करेंगे और फिनिश के लिए TNMG यूज करेंगे। हमारा कंपोनेंट ये रहेगा 25 डाया का और ये जॉ से 56 mm बाहर है। तो इसी वर्कपीस पे वो स्टेप टर्निंग करके देखते हैं। पहले प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये प्रोग्राम है R वेरिएबल के साथ प्रोग्राम बनाया हुआ है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ऑटोमेटिक मोड पे इसको रन करके देखते हैं।